हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ मेंस 2021 का, जो आपका 25 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था। उसमें जीए के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सारे हिंदी में रहने वाले हैं। जीए के सवाल, जितने भी क्वेश्चन जो अभी 25 सितंबर को पूछे गए थे, उसमें से हमें 40 प्रश्न में से 30 से 31 प्रश्न जो है हमें मिल चुके हैं एग्जैक्टली। तो वो हम इस वीडियो में आपको डिटेल बताने वाले हैं। ये जो प्रश्न हैं, अगर आप SBI का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आप जो है RRB क्लर्क का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 17 अक्टूबर को वो देने जा रहे हैं, तो वहाँ यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अभी लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है एग्ज़ाम पेपर का, ठीक है ना। कौन कहाँ कहाँ से उसने जो है एग्जामिनर ने क्वेश्चन जो है वो पूछे हुए हैं, ठीक है। तो वीडियो को देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम जल्द ही आने वाले दिनों में जो आपका RRB क्लर्क का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसके लिए हम आपके लिए कम से कम 8 सीरीज़ लेके आएंगे। किसकी? 100, टॉप 100, जिसमें मंथली करंट अफेयर रहेगा, जैसे कि जनवरी के 100, फिर फरवरी के 100, फिर मार्च के, इस तरीके से 8 महीनों के, जनवरी से लेके अगस्त तक, ठीक है। इसके टॉप 100 क्वेश्चन लेके आएंगे डे बाई डे वन, ठीक है। और इसके साथ ही टॉप 100 कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे डेली, ठीक है। टॉप 100 डेली कंप्यूटर के ये रहेंगे, 1000 प्रश्न तक ये रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन पूछा गया था, दो योजनाएं हैं सहवास और आरओ करके, ये किसने लॉन्च की थी? तो सिडबी ने लॉन्च की थी। आप इन प्रश्नों को देख के खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं, जिस किसी ने भी RRB PO दिया हुआ, कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे, ठीक है ना। दूसरा है कि सैल्यूट डॉक्टर पहल किसने? तो ICICI ने लॉन्च की थी। तीसरा, हाल ही में नाटो का 31वीं बैठक हुई थी, तो उसने ये नहीं पूछा कौन सी बैठक हुई, कहाँ हुई, उसने ये पूछा सदस्य कितने हैं, तो 30 हो जाएंगे। CET जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है आपका 2022 से स्टार्ट, उसके लिए 3 साल की वैलिडिटी होगी, ये पूछा गया था कि वैधता कितनी होगी इसकी, तो 3 साल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद पूछा था RTI रिप्लाई, जो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो हमारा अधिकार है उसका जो रिप्लाई अगर आपने लगाई RTI, तो उसका रिप्लाई कितने दिनों के अंदर आना चाहिए? तो 30 दिनों के अंदर। सॉप्सी आप किसने लॉन्च किया था? तो फ्लिपकार्ट ने। भारत में कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं? तो 11 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेशनल डॉक्टर्स डे जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है, ये सबको मालूम, बट ये पूछा था किसकी याद में मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधानचंद्र रॉय की याद में। इसके बाद जो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है उसके वर्तमान में CMD कौन हो जाएंगे? तो अरुण कुमार सिंह जो हो जाएंगे इसके CMD हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछा गया था ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत 100 रैंक, 100 देशों के अंदर भारत की जो रैंक है वो कितनी है? तो 20 रैंक हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट पर कौन हो जाएगा? USA हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, एक पूछा गया था कि इटली की जो नेशनल राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है ना, जो वहाँ की जो फुटबॉल टीम है इटली की, तो उसका निकनेम क्या है, ठीक है। तो एजूरी करके उसका नाम हो जाएगा, ठीक है, एजूरी। नेक्स्ट पूछा गया था भारत सरकार के द्वारा मकान मालिक और जो किराएदार है, इस मकान मालिक जो होता है, अगर आप कहीं भी किराए से रह रहे हैं, उसका जो मकान मालिक है, तो उस उनके बीच में एक एक्ट को लागू किया गया था वर्तमान में 2021 में, तो वो क्या है? तो वो है मॉडल TNSE एक्ट, और इसको सबसे पहले किसने लागू किया था? कर्नाटक राज्य ने इसको लागू किया है सबसे पहले, ठीक है। तो आपको हो सकता है RRB या SBI पूछ ले कि किस राज्य ने लागू किया था, तो कर्नाटक आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, यानी कि जो न्याय करने के मामले में कौन टॉप पर था? तो महाराष्ट्र था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा भारत सरकार की जो IDBI बैंक है उसमें कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? तो 45.48% हो जाएगा। फॉर्च्यून मैगजीन के अनुसार विश्व की 50 शक्तिशाली महिलाओं में कौन टॉप पर है? तो जैकिंडा आर्डन हो जाएगी, जो कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, इससे पहले एंजेला मार्केल हुआ करती थी। नेक्स्ट देखिए, विश्व भ्रष्टाचार सूचकांक यानी कि वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स में कौन टॉप पर था? तो डेनमार्क तो था ही, इसके ये पूछा गया था कि इसके साथ कौन सी कंट्री थी? तो न्यूजीलैंड हो जाएगा। जब ATM में कैश नहीं खत्म हो जाता तो उस स्थिति को कहते हैं क्रंच कैश कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत में किस जगह के GI टेक वाले खेलों को दुबई भेजा गया था? तो जलगांव वाले जो GI टेक के खेल उनको भेजा गया था। G7 समूह के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार मिनिमम ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स कितना होना चाहिए? तो 15% होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, रफ्तार योजना के बारे में पूछा गया था कि इसमें लास्ट वाला जो आ रहा है ना, इसका क्या फुल फॉर्म है? तो रिजुविनेशन हो जाएगा इसका, लास्ट का R का मतलब, ठीक है। एक पूछा गया था कि ब्रिक्स जो देश हमारे 5 जो कंट्री हैं ब्रिक्स, उसमें भारत की रैंक क्या है वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव में? तो दूसरी हो जाएगी चीन के बाद, चीन पहले अब दूसरा भारत है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था केंद्रीय बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति से संबंधित नहीं है, तो फिस्कल करके 4 ऑप्शन दिए थे, 5 ऑप्शन, उसमें फिस्कल एक ऑप्शन था, उसका आंसर हो जाएगा। किसने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल्स की हैट्रिक लगा दी थी? तो दीपिका कुमारी हो जाएंगी। वित्तीय वर्ष 2021 में सार्वजनिक क्षेत्रों यानी कि पब्लिक सेक्टर्स जो बैंक होते हैं उनको कितना लाभ हुआ था? तो 31,817 करोड़ का लाभ हुआ था। आप देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं उसने, मतलब घुमा घुमा के क्वेश्चन उसने पूछे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे RRB ने, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट स्लाइड है ये, ठीक है। 30 क्वेश्चन हमें मिल पाए थे।
ई नाम पोर्टल की लीडिंग एजेंसी यानी कि ई नाम जो पोर्टल है इसको जो कौन सी जो एजेंसी है उसको होल्ड की हुई है, तो SFEC करके हो जाएगी, स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर कंसोर्टियम करके, ठीक है ना। RBI के द्वारा जो पेमेंट्स बैंक है उसकी लिमिट कितनी कर दी गई थी, बढ़ाकर 1 लाख से 2 लाख, पहले 1 लाख थी 2 लाख। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के अध्यक्ष कौन रहेंगे, तो नजहत समीम खान करके। भारत में आकांक्षी जिलों की संख्या 124 हो चुकी है। भारत ने GDP का कितना प्रतिशत हेल्थ सेक्टर यानी स्वास्थ्य क्षेत्र में लगाया था, तो 1.5% GDP का। लास्ट क्वेश्चन था कि जो अलग अलग जगह कोविड वेरिएंट पाया गया ना, जैसे भारत में पाया गया था तो उसे नाम दे दिया भारत, भारत भारत का है, मतलब उसको नाम दे दिया इंडिया वेरिएंट, ये इंडिया वेरिएंट वेरिएंट है, UK वेरिएंट है, तो इसको इससे क्या देश को नुकसान हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, WHO ने ग्रीक ग्रीक जो लेटर्स होते हैं ना उनके नाम पर इसका फिर अब नामकरण किया, जैसे कि भारत में कप्पा और डेल्टा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ 30 प्रश्न थे जो हमें मिल पाए थे, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम RRB क्लर्क के लिए करंट अफेयर और कंप्यूटर की क्लास लेने वाले हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।